गुड मॉर्निंग क्लास ओके क्लास टुडे वी हैव टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट वन इज द ओसमो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी किडनी यू नो ओस्मो रेगुलेशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो ऑस्मो आपको पता है जो होम्योस्ट्रेसिस होता है होम्योस्टेसिस में uh, जब भी हम uh, होम्योस्ट्रेसिस को डिफाइन करते हैं इट हैज़ द डिफरेंट लाइक डेफिनेशन शुरू शुरू पेज नंबर एटीन पे आपकी बुक में लिखा हुआ है इट्स द होम्योस्टे ऑसमो रेगुलेशन होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन सो ऑसमो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द कॉन्सनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लुइड्स किडनी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन

तो अगर टिश्यू फ्लूड के अंदर जो है अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा या टिश्यू फ्लूड के अंदर जो है वो वाटर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उस चीज़ का होता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्स के अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूड के अंदर से, यानी कि सेल्स के इर्द गिर्द टिश्यू फ्लूड के अंदर वाटर का कॉन्टेंट जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए और अगर वो कॉन्टेंट में Uh, कम या ज़्यादा होता है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसके अंदर होता है तो दैट विल बी रियली वेरी डेंजरस सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड रिमेन इन अ वेरी लाइक स्पेसिफिक मैनर तो उस वाटर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए किडनीज़ का मेन रोल होता है वैसे तो आप सबको पता है कि किडनीज uh, का जो रोल uh, है दे हैव अ रोल ऑफ लाइक मेंटेनिंग द यूरिया कॉन्सेंट्रेशन सॉल्स को मेंटेन करते हैं लेकिन वाटर कंटेंट को भी जो है और हमारी किडनीज जो हैं वो वाटर की जो मेंटेनेंस करते हैं दैट वन इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन और इसमें पूरी किडनी इन्वॉल्व नहीं होती आपको याद है किडनी uh, का एक पार्ट आप सबको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा एंड दैट पार्ट आई हैव मैंशनड ये इस पार्ट को बेटा बोलते हैं इट्स कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट ये देखें ये आ, जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है और इस कलेक्टिंग डक्ट में आ, ये आ, जो है वो वाटर को मेंटेन करती है यह वाटर का जो है वो आ, उसकी और दिस इज़ वर्किंग अंडर अनदर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन एंड दिस इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड और बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड एक ख़ास हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं दैट हार्मोन इज नोन एज ए डी एच ए डी एच एंड ए डी एच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हारमोन एंड दैट एंटी डायूरेटिक हारमोन विच इज़ प्रोड्यूस फ्राम द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट विल बी हेल्पिंग द कलेक्टिंग डाक टू मेंटेन इट्स मेनटेन द वाटर कॉन्टेंट तो आपने बेटा एक वर्ड पे आपने गौर करना है इफ़ यू राइट लाइक अगर हम लिखते हैं इस तरह से लिखें समर इफ़ वी राइट समर तो जस्ट मिनट अगर हम इस तरह से समर uh, तो लिखते हैं समर अगर आप लिखते हो तो सी समर में इट्स uh, समर uh, uh, में टू एम uh, इसके अंदर हैं तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है एक एम ये लिखा हुआ है और एक एम जो है वो बेटा ये है तो इससे आपने याद रखना है मोर ए डी एच समर के अंदर मोर ए डी एच होता है और मोर री होती है तो ये अब मैं इसको जो है यहाँ से देखिएगा इस जगह से कि बेटा ज़्यादा ए जो है वो रिलीज़ होता है पिट्र्यूट्री ग्लैंड से ये रिलीज़ होगा ब्लड में पिट ब्लड में जाएगा और ब्लड से जो है वो कलेक्टिंग डक किडनी में और किडनी से कलेक्टिंग डक में आएगा तो ये बेटा ये ये देखो ये ज़्यादा ए जो है वो समर में ज़्यादा ए रिलीज़ होगा और बेटा ज़्यादा ए डी एच के रिलीज़ होने की वजह से अब दूसरी बात आपने याद रखनी है ज़्यादा ए डी एच ये काफ़ी सारी मैंने लाइंस लगाई हैं तो ज़्यादा ए डी एच बेटा रिलीज़ होगा और ज़्यादा ए डी एच के रिलीज़ होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि मोर एंड मोर यू कैन से मोर एंड मोर वाटर विल बी री इसमें से बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इसमें से आप कह लो कि यहाँ से ज़्यादा पानी जो है वो इसमें से बाहर निकलेगा और जो ज़्यादा पानी बेटा इसमें से आ, बाहर निकलेगा उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं तो लुकेट दिस अब आ, वो ए वाला तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर से बाहर निकलता जाएगा ये ज़्यादा ये एक्चुअली जो Uh, ये एरोज है दे आर रिप्रजेंटिंग द वाटर तो ये वाटर <coughs> को शो कर रहे हैं तो उसकी वजह से जब बहुत सारा पानी बेटा इसमें से uh, बाहर निकलता जाएगा तो ज़्यादा वाटर के बाहर निकलने की वजह से जो यूरिन बेटा यहाँ बनेगा ना वट एवर द यूरिन विल बी फॉर्म्ड हियर यहाँ से आपको पता है जो चीज़ बाहर निकलती है दैट वन इज़ कॉल्ड यूरिन ये जो चीज़ यहाँ से बाहर आएगी दिस इज़ कॉल्ड यूरिन ये है जो नीचे मैंने लगाया दिस इज़ ये यूरन है तो यूरन विल बी कमिंग आउट और जो यूरन बेटा बाहर आएगा दैट यूरन विल बी कॉन्सनट्रेटिड आपको पता है गर्मियों में यूरन का वॉल्यूम भी कम होता है हमें कम यूरन आता है कम वॉल्यूम उसका होता है ना सिर्फ उसका वॉल्यूम बेटा कम होता है बल्कि वो कॉन्सेंट्रेट होता है कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है वो ज़्यादा येलोइश होता है तो समर से आपने ये याद रखना है कि मोर ए डी एच एम से मोर ए डी एच वो भी मैंने शो किए पहले डायग्राम मोर ए डी एच एंड मोर री एब्जॉर्बशन तो जितना ज़्यादा ए डी एच निकलेगा उतनी और ये सारा जो पानी इस कलेक्टिंग डक्ट में से बाहर निकल गया तो सारी बात है वो जो पानी बाहर निकल तो ये ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होगा तो यूरिन विल बी मोर कॉन्सनट्रेटेड सो दैट वी कैन शो इन दिस वन तो ये आपने जो है अच्छे तरीके से इसको बेटा जहन में रखना है अब इसी तरह से जो है अगर हम देखें तो वट हैपन्स इन दिनटर विंटर में बेटा क्या होता है विंटर में uh, जो है विंटर में विंटर में बेटा क्या होगा विंटर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो के विंटर के अंदर ए की जो क्वांटिटी uh, है वो आपको वो भी पता है मैंने बताया कि इसमें से जो चीज़ निकलती है उसको ए कहते हैं तो विंटर में बेटा ए जो है ये देखें विंटर में ए कम होगा लेस अमाउंट ऑफ ए डी एच विल बी सिक्रीटेड तो विंटर में दिस इज़ ए डी एच रेड से जो हम बना रहे हैं दैट इज़ ए डी एच तो ए डी एच की कोंटिटी जो है वो विंटर में ए डी एच की कोंटिटी कम होगी और जब ए डी एच की कोंटिटी कम होगी वहाँ पर हमने लिखा था समर में मोर ए डी एच मोर री एब्जॉर्पन अब यहाँ पर लेस ये विंटर में ए डी एच इज़ लेस तो लेस ए डी एच की वजह से बिकॉज ऑफ लेस ए डी एच दे विल बी लेस री एब्जॉर्पन तो ये उसी तरह से हम बेटा रीएबज़ोशन को शो करते हैं तो ये देखें ये जो री है यानी यहाँ से जो <coughs> वाटर रीएबज़ॉर्ब हो रहा है वाटर रीऐब्जॉर्ब हो रहा है वो वाटर भी लेस रीएबज़ॉर्ब होगा सो दैट येलो एरोज आर रिप्रजेंटिंग द वाटर ये आपको पता है येलो एरोज जो हैं ये वाटर uh, को रिप्रजेंट uh, कर रहे तो बेटा लेस ए डी वाटर इज़ बिंग री और लेस वाटर के रीअबज़ॉर्ब होने की वजह से uh, आप ये कह सकते हो कि यहाँ से अगेन वही बात आ गई यहाँ से जो चीज़ uh, नीचे की तरफ आएगी दैट वन इज द ये देखें ये uh, जो है तो दैट वन इज़ द ये देखें सो दिस इज़ द दिस वट एवर इज़ कमिंग थ्रू दिस ये आपको पता है ये यूरन है तो ये यूरन होगा दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देर एंड दैट यूरन विच इज़ कमिंग आउट इज़ मोर वहाँ पे लेस था यहाँ पे जो है द यूरन विल बी मोर एंड दैट यूरन विच इज़ मोर इन क्वान्टी दिस यूरन विच इज़ मोर इन क्वान्टी इट विल बी मोर इन कोांटिटी यानी इसकी क्वान्टिटी तो ज़्यादा होगी और ये डायल्यूट होगा वो कॉन्सनट्रेटेड था यह डायलूट तो सर्दियों में आपको पता है यूरिनेशन ज़्यादा होती है हम ज़्यादा यूरिनेट करते हैं और गर्मियों में यूरिनेशन के कम होने की वजह एक ये भी है कि गर्मियों में जो यूरिनेशन है वो बहुत सारी स्वेटिंग हो जाती है तो पानी ऑलरेडी बॉडी के अंदर कम होता है तो बॉडी पानी को बाहर नहीं जाने देती कि ये ना हो कि यूरिन के रास्ते भी बहुत सारा पानी निकल जाए तो उसको होल्ड करके रखती है सो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफ द ए डी एच विच इज़ सिक्रिएटेड फ्राम द पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूट्री ग्लैंड ब्रेन के अंदर होता है ये अपना ए डी एच एंटी डायूरेटिक हारमोन ब्लड में डालता है ब्लड से किडनी में और किडनी से जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो विंटर में लेस ए डी एच होता है और समर के अंदर जो है वो ज़्यादा आई होता है तो दिस यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड ये आपने अच्छे तरीके से इसको uh, सीखना है बेटा और uh, उसका भी मैंने आपको आई टोल्ड यू अबाउट द अदर वन जो इससे प्रीवियस uh, uh, थी uh, डायग्राम वो भी हमने uh, डिस्कस की बेटा उसमें uh, आपने देखा उसमें uh, जो है दैट वन द यूरिन इज प्रोड्यूस इन दिस और यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि यूरिन जो है वो लेस होगा बेटा वहाँ पे मोर है यहाँ पे जो है यूरिन विल बी लेस इन द क्वांटिटी सो यहाँ पे यूरिन जो है इट विल बी इट विल बी लेस इन द क्वांटिटी सो हेयर द यूरिन विल बी लेस इन क्वांटिटी और यहाँ पर जो है ये लेस है और उसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो है वो मोर और ए डी एच इसे प्रीवियस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ए डी एच किस तरीके से आप उसको जो है वो ज़्यादा ए डी एच है वो डायग्राम भी मैंने अभी इससे पहले आपको बना के दिखाई थी सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड और इसके बाद बेटा ये यहाँ पे आपकी बुक में से दो हेडिंग्स थी देर इज़ ए रेगुलेशन इन विंटर वेन देर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूड्स विंटर में बॉडी में फ्लूड की एक्सेस होती है फॉर फॉर दिस पर्पज किडनी फिल्ट्रेट मोर वाटर एंड ग्लोमेरुलर कैप सिमिलरली लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब एंड अबंडली ब्रिंग बैक टू द वॉली या बुक से भी पढ़ सकते हो ये थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया तो ये बुक से भी पढ़ सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो दैज हाइपरटोनिक टॉनिक सोलूशन ये सारा तो आपको पता लग जाएगा इसमें एंड सिमिलरली इट इज़ वन देर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर तो देट यू कैन ऑल्सो इन इन समर जो है वो किस तरीके से ये होता है सो आई होप इट विल बी वेरी क्लियर आई सेंड यू दैंड्स ऑफ दिज टू डाग्राम्स और ये जो है uh, ये आपने जैसे मैंने बनाई ये आपने अपनी लैक्चर कॉपीज में बनाना एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी अगेन दिस वन ये आपने जो है दोबारा